वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बेस्ट प्लस। मैं हूं अमित कुमार शुक्ला। आज हम लोग अपने ऑप्शनल में जो ऑर्गेनाइजेशन यूनिट कर रहे थे उसका लास्ट लेक्चर करेंगे। इसमें मैंने आपको छोड़ दो, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ बातें जो हमें कंपनी एक्ट के बारे में जाननी चाहिए और पीपीपी के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। वैसे मैंने बहुत बार बताया है, लेकिन चलिए थोड़ा आज के लेक्चर में दोनों पॉइंट्स को डिस्कस कर लेंगे। तो पहला पॉइंट है कंपनी एक्ट 2013, ठीक है। कंपनी एक्ट 2013, तो आप देखोगे कि भारत में जो कंपनियों को रजिस्ट्रेशन कराना होता था, इसके पहले कंपनी एक्ट 1956 हुआ करता था। लेकिन 1956 से अगर हम आज के समय की बात करें तो जो व्यापार वाणिज्य जो ट्रेड एंड कॉमर्स है उसमें बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। तो उन चेंजेस को ध्यान में रखते हुए हमें किस तरह से वर्ल्ड लेवल पे कंपीट करना है या अपनी कंपनीज में वही स्टैंडर्ड मीट करवाने हैं जो ग्लोबल लेवल पे एमएनसीज करती हैं, तो उसके लिए हमें जरूरत थी कि हम नया एक कंपनी एक्ट लाएं। तो जो कंपनी एक्ट 1956 था उसको रिप्लेस करके नया कंपनी एक्ट लाया गया, दैट इज कंपनी एक्ट 2013, राइट। तो इसमें क्या क्या वो प्रोविजन है जो हमें जानने चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। सो हमें इस कंपनी एक्ट को पढ़ते समय एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ यही जानना है कि वो कौन सी बातें हैं, पॉइंट्स हैं जो हम एग्जाम में उसे राइट डाउन कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, जैसे आपका पहला पॉइंट हो गया कि इस कंपनी एक्ट 2013 में एक नया पॉइंट जोड़ा गया जिसे हम लोग बोलते हैं वन पर्सन कंपनी। क्यों लाया गया, उसका आंसर क्या हो गया? देर हैव बीन सेवरल एंड मल्टीपल टाइप्स ऑफ चेंजेस इन द नेचर एंड टाइप्स, नेचर एंड टेंडेंसी ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स अराउंड द वर्ल्ड। सो देर वॉज अ नीड दैट वी हैव टू इनकलकेट कंपनी एक्ट विच कैन मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द टूडेज वर्ल्ड, राइट। सो दैट इज वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड कंपनी एक्ट 2013, राइट। सो देर आर सेवन इंपॉर्टेंट फीचर्स विच वी मस्ट नो रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन। एंड फॉर इंस्टेंस, पहला पॉइंट है कि इस कंपनी एक्ट 2013 में जो पहला एक नया पॉइंट जोड़ा गया कि वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी का अर्थ क्या होता है? वन पर्सन कंपनी का अर्थ होता है कि ऐसी कंपनी भी बनाई जा सकती है जिसमें केवल एक ही व्यक्ति हो, वही डायरेक्टर होगा, वही शेयर होल्डर होगा, वही प्रमोटर होगा, वही उसका ओनर होगा। पहला पॉइंट तो हमें ये जानना चाहिए कि वन पर्सन कंपनी का कॉन्सेप्ट है। दूसरा, ये कहा गया कि जो वन पर्सन कंपनी है ये वेलफेयर के लिए भी बनाई जा सकती है। जैसे कि जो वन पर्सन कंपनी है ये सोशल वेलफेयर के लिए भी बनाई जा सकती है। कि जैसे कोई ऐसा व्यक्ति है जो इन्वायरमेंट अपग्रेडेशन के लिए काम कर रहा है, रूरल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है, एजुकेशन एंड लिटरेसी बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, तो वो भी वन पर्सन कंपनी बना सकता है, राइट। तो वेलफेयर से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन होंगे, राइट, वो वन पर्सन का जो वेलफेयर से रिलेटेड काम करते हैं, ठीक है, वो लोग वन पर्सन कंपनी बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें पहली बार इनसाइडर ट्रेडिंग को बैन किया गया। इनसाइडर ट्रेडिंग को क्या किया गया? बैन किया गया। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है? इसमें पहली बार भेदिया कारोबार को प्रतिबंधित किया गया। भेदिया कारोबार क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के अपेक्स लेवल पे होता है या टॉप लेवल पे होता है, तो कंपनी की बहुत सीक्रेट और स्ट्रेटेजिक जो चीजें होती है वो उसे पता होती है। उस इंफॉर्मेशन का वो अपने फायदे के लिए यूज कर ले और कंपनी को उससे नुकसान हो जाए, तो इस तरह का जो ट्रेडिंग होता है वो होता है इनसाइडर ट्रेडिंग। कि जैसे आपको पता है कि कंपनी कब आईपीओ लाने वाली है, कब कंपनी स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करने वाली है, कब कंपनी अपना एक नया वेंचर खड़ा करना चाह रही है, और आप इस जो ये जो स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन है वो आपको कंपनी के टॉप लेवल में रहने की वजह से थी, तो आप अगर इस इंफॉर्मेशन का अपने निजी फायदे के लिए यूज कर रहे हैं, या आपने कुछ लोगों को बता दिया है कि हमारी कंपनी ये करना जा रही है, तो चाहे तो आप अपने शेयर हमारे कंपनी से निकाल लें या हमारे कंपनी के शेयर खरीद लें, तो जो कंपनी की गोपनीय जानकारी होती है उसका जब कोई व्यक्तिगत हित में यूज करता है, भेद जो जानता है कंपनी का और उस भेद का यूज अपने फायदे के लिए करता है, कंपनी का नुकसान करता है, उसे बोला जाता है भेदिया कारोबार। तो ध्यान रखना है इनसाइडर ट्रेडिंग को जो कंपनी एक्ट 2013 है उसमें बैन किया गया है। एक और जो नया पॉइंट जोड़ा गया है कि कंपनी को सीएसआर के रूप में अपने प्रॉफिट का 2% खर्च करना पड़ेगा। कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, राइट। ये माना जाता है कि भाई कोई कंपनी जिस भी एरिया में काम करती है, राइट,
वहां से आप मिलियंस एंड बिलियंस डॉलर्स में आप पैसे कमा रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर जगह में उसके आसपास रहने वाले लोगों के लिए कुछ मूलभूत फंडामेंटल जो चीजें हैं वो डेवलप करना किसी कंपनी की एक नैतिक और विधिक जिम्मेदारी बन जाती है। तो वो कितना होगा? कंपनी का जो अर्न प्रॉफिट होगा उसका 2% कंपनी को मैंडेटरी है कि CSR के रूप में खर्च करना होगा। जैसे क्या होगा CSR के रूप में? एरिया में आप पार्क बनाए, अगर पार्क नहीं है तो बच्चों के खेलने के लिए, या शाम को लोग अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो पार्क में जाके वॉक करें, और आप अगर गांव देहात का एरिया है वहाँ स्ट्रीट लाइटिंग अभी नहीं हुई तो वही स्ट्रीट लाइटिंग आप करवाएं, अगर नाली प्रॉपर नहीं बनी है तो आप वो नाली बनवाएं, अगर अच्छे स्कूल नहीं बने हैं तो स्कूल आप बनवाएं, और अगर पानी के अभी पाइप्ड वाटर वहां नहीं पहुंच रहा तो एटलीस्ट हैंड पंप करवाएं। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं वो कंपनी का CSR माना जाता है। ये कारपोरेट सेक्टर की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस एरिया से आप बिलियंस एंड ट्रिलियंस में पैसे कमा रहे हैं उस एरिया के लिए भी आपकी कुछ जिम्मेदारी होती है। तो जो CSR का कॉन्सेप्ट है, ये CSR प्रॉफिट का 2% होगा और ये मैंडेटरी है कि कंपनी को अपने प्रॉफिट का 2% उन लोगों के लिए खर्च करना पड़ेगा। इसके अलावा ये कहा गया कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज थी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में जो पहले डायरेक्टर्स की संख्या 50 हुआ करती थी, राइट, तो जो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स थे किसी प्राइवेट कंपनी में उसको 50 से बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 200 कर दिया गया है। कि अब कोई भी अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसको जो डायरेक्टर हैं उसमें 50 से बढ़ा के हम कितना कर सकते हैं? 200 कर सकते हैं, ठीक। और इसके अलावा कंपनी को, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब कल मैंने बताया था कि MOU साइन होता है तो कंपनी को अपने बारे में इन्फॉर्मेशन देनी होती है ना, और जब AOA बताया था, एग्रीमेंट ऑफ आर्टिकल्स, एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल्स, राइट, तो उसमें भी मैंने आपको ये चीजें बताई थी कि कंपनी का नेचर क्या है, किस तरह से काम करेगा, प्रॉफिट किस तरह से शेयर करना है, ये सारी बतानी होती हैं, राइट। तो ये जो मानक है इनको और थोड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है, राइट, कि कंपनी अपने बारे में जो इंफॉर्मेशन देगी उसमें से आप कंपनी को क्या बताना पड़ेगा, एग्जैक्टली नाम क्या है कंपनी का, ठीक है, नेम ऑफ द कंपनी, ठीक है, स्टेट इन विच द कंपनी इज रजिस्टर्ड, स्टेट इन विच कंपनी इज रजिस्टर्ड, वो राज्य जहां पर कंपनी रजिस्टर्ड है उसका नाम भी बताना पड़ेगा, नेचर क्या है कंपनी का, किस तरह के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगी, और उसके जो मेंबर होंगे, राइट, वो मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी। तो इन्फॉर्मेशन में क्या बताना होगा? नाम बताना होगा, वो स्टेट बताना होगा जहां पे आप रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा आपको ये बताना पड़ेगा कि आप नेचर क्या है कंपनी का, किस किस तरह के कंपनी है, क्या वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, क्या वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, क्या वो नॉन लिमिटेड कंपनी है, या क्या वो वन पर्सन कंपनी है। ये आप कंपनी को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि हम किस तरह के कंपनीज हैं, राइट। फिर अपने जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं उनके क्या क्या बताना पड़ेगा, उनको आपको उनकी अथॉरिटी क्या है ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो दीज आर सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, राइट, विच वी हैव टू नो इन कंसिडरिंग द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। एग्जाम के दृष्टिकोण से हमें ये बिंदु जानने आवश्यक हैं, बाकी सब कहानी है, इससे हमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये वो पॉइंट है, अगर मैंने आपको करीब 7-8 पॉइंट बताए, राइट, बाकी तो बोल वचन होता है, बोल वचन आप जानते हैं कि जो मैंने स्टार्टिंग बताया था कि समय के परिवर्तन के साथ चीजों को बदलना पड़ता है, या दुनियादारी, ये सब चीजें बोल वचन, ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा, ये वो मेन पॉइंट है जो आपको आने चाहिए, ओके। अब हम लोग बात करते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में बात करते हैं। तो यही है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसे हम लोग PPP कहते हैं, हिंदी में लोक निजी सहभागिता कहते हैं, इसकी जरूरत ही आखिरकार क्यों पड़ी, ठीक। तो आप देखो कि 1950 से 1980s तक का जो डिकेड है, 1950 से 1980 तक का जो दशक है, ये
जो गवर्नमेंट सेक्टर है इसके हस्तक्षेप का स्वर्णिम काल माना जाता है। सो फ्रॉम 1950s टू 1980s दीज डिकेट्स आर नोन एज द गोल्डन पीरियड ऑफ द इंटरफेयर ऑफ द गवर्नमेंट और द ब्यूरोक्रेसी। ये वो समय है जब जितने भी पब्लिक इंटरप्राइजेस थे जिस पर जो नौकरशाही है और जो सरकारी तंत्र है उसका बोलबाला था। तो इसी दौरान आप एक सिमिलरिटी देखोगे कि 1950s से 1980s तक का डिकेड ही वो डिकेड है जब पब्लिक इंटरप्राइजेज में जो सरकारी उद्यम है, लोक उद्यम है, उनमें जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका जो कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा है। और यही वो समय है जब ज़्यादातर जो पब्लिक इंटरप्राइजेज हैं या तो वो घाटे का शिकार होते चले गए या फिर वो बंद हो गए। तो कहीं ना कहीं हमको एक कोरिलेशन दिखता है। क्या कोरिलेशन दिख रहा है कि कंट्रोल भी ब्यूरोक्रेसी का बहुत ज़्यादा है पब्लिक इंटरप्राइजेज में, और वो या तो घाटे में जा रहे हैं और या तो वो बंद हो जा रहे हैं। तो एक हमें कोरिलेशन निकल के आया कि जितना ज्यादा ब्यूरोक्रेसी का कंट्रोल होगा, गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा पब्लिक इंटरप्राइजेज में या ट्रेड एंड कॉमर्स के क्षेत्र में, उतने ज्यादा ये घाटे का शिकार हो जाएंगे, राइट? क्योंकि वहां पे अपॉइंटमेंट जो हो रहा है वो मेरिट के आधार पे ना होके लोगों को खुश करने के लिए हो रहा है कि चलिए मान लिया आपको प्लानिंग कमीशन में जगह नहीं मिली तो चलिए आपको इस पीएसयू का डायरेक्टर बना देते हैं, चलिए इस कोई टॉप क्लास की पीएसयू में आपको जगह नहीं मिली तो उससे घटिया वाली पीएसयू में आपको जगह दे देते हैं। तो जो अपॉइंटमेंट हो रहा था वो मेरिट और आपकी क्वालिटी के आधार पे ना हो के इस आधार पे बहुत बार होता था कि आप नाराज ना हो, आपको संतुष्ट कैसे किया जा सकता है। तो हमारे जो पब्लिक इंटरप्राइजेस थे वो अधिकारियों को संतुष्ट करने का एक अड्डा बन गए। फिर इसके अलावा एक यही एक मात्र एक पॉइंट नहीं है जिसके आधार पे पीपीपी आया। आपने ये देखा कि जैसे जैसे समाज बढ़ता चला जाता है तो उसमें जो डिमांड करने की प्रवृत्ति है वो लगातार बढ़ती चली जाती है ना। जब इंसान बहुत भूखा होता है तो कहता है बस मुझे रोटी दे दो, और जैसे पेट भर जाएगा तो कहेगा नहीं स्वादिष्ट खाना चाहिए, खाना भी पूरा मिल जाएगा तो नहीं कहेगा अच्छे पहनने के लिए कपड़ा लाओ, फिर कपड़ा दे दोगे कहेगा मेरा नाचने गाने का मन हो रहा है, मेरे लिए संगीत बजाओ। इस तरह से क्या होगा, वो जैसे जैसे उसकी जरूरतें पूरी होती जाएंगी वो जरूर अपनी डिमांड लगातार बढ़ाता चला जाएगा, राइट? तो ऐसे ही समाज का होता है कि जैसे 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 समय आगे बढ़ता जाएगा उसके द्वारा डिमांड की जाने वाली गुड्स एंड सर्विसेज की जो फेहरिस्त होगी, जो लिस्ट होगी, वो लगातार लंबी होती जाएगी। तो सरकार एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद अपने हाथ खड़े कर देगी, भाई अब मुझसे नहीं हो पाएगा, सरकार कितना करेगी। तो लोगों की ये बढ़ी हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र को आगे आना होगा। तो इसमें दोनों का फायदा है, अगर निजी क्षेत्र इस बढ़ी हुई डिमांड को कैटर करता है, राइट, तो उनको कस्टमर बेस मिलेगा और उनका सामान बिकेगा, इससे उनको प्रॉफिट होगा, राइट? और सरकार के लिए भी फायदा ये है कि जो सरकार का वर्कलोड था इतने लोगों को वस्तुओं और सेवाएं प्रदान करने का, वो वर्कलोड भी कम हो जाएगा। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में कहा जाता है लोक निजी सहभागिता, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सो इट इज अ काइंड ऑफ सिनर्जी, क्या है, इट इज काइंड ऑफ सिनर्जी। सिनर्जी क्या होता है बच्चों, सिनर्जी का अर्थ होता है कि द टोटल एनर्जी ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। मैंने क्या कहा, इट इज काइंड ऑफ सिनर्जी। क्या मैंने कहा, सिनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ organs of organization is greater than total energy of organization itself। कि संगठन की जो ऊर्जा होती है वो सदैव कम होती है संगठन के घटकों की ऊर्जा को मिला दिया जाए। मतलब अगर 10 लोग मिलके एक साथ काम करेंगे, राइट, तो उसकी जो ऊर्जा होगी वो संगठन की कुल ऊर्जा से भी ज्यादा हो जाती है। इसी को हम लोग सिनर्जी कहते हैं। सो इट इज काइंड ऑफ सिनर्जी। दूसरा जो इसको डिफाइन करने का तरीका ये हो सकता है, ये हो सकता है इट इज अ लीगल पैक्ट बिटवीन द प्राइवेट सेक्टर एंड द पब्लिक सेक्टर अंडर विच दीज टू स्टेक होल्डर्स शेयर्स सम प्रोस एंड कॉन्स। ये एक तरह का विधिक समझौता होता है जो राज्य और निजी क्षेत्र के बीच होता है जिसमें वे कुछ लाभ और कुछ हानि को साझा करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक लीगल पैक्ट है बिटवीन स्टेट
यहाँ पे स्टेट का अर्थ राज्य से है, राज्य सरकारों से नहीं है, एंड द प्राइवेट सेक्टर, और इसमें क्या होता है, इन विच दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, और क्या शेयर करते हैं, एंड दे शेयर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक तरह का विधिक लेखा जोखा होता है जो राज्य और निजी क्षेत्र के बीच होता है, जिसमें वे लाभ और हानि तथा प्राधिकार और उत्तरदायित्व को साझा करते हैं। ठीक है, प्रोफेसर हॉज के अनुसार जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है वो क्या होती है कि जब प्राइवेट सेक्टर स्टेट के साथ या गवर्नमेंट के साथ उनके जो पब्लिक के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको शेयर करने का उत्तरदायित्व भी अपने पास ले लेती है या उसको साझा कर लेती है, उसी को हम लोग पीपीपी कहते हैं। हमने दो डेफिनेशन देख ली, इतना हमारे लिए पर्याप्त है। तो क्या है लोक निजी सहभागिता या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप? ये एक तरह का विधिक समझौता होता है जो निजी क्षेत्र और सरकार के बीच होता है, जिसमें वे परस्पर रूप से लाभ हानि तथा प्राधिकार और दायित्व को साझा करते हैं। अब बात यह आती है कि लोक निजी सहभागिता के आयाम क्या हैं? व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, है ना? व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, क्या है उसके डायमेंशन, देखें बच्चों। पहला चीज, डायमेंशन ऑफ द पीपीपी, लोक निजी सहभागिता के आयाम क्या है? तो इसमें दो तरह के आयाम होते हैं बच्चों, जो हमें जानना चाहिए। ठीक है, निवेश पहल और जोखिम हस्तांतरण। जोखिम हस्तांतरण इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव, इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव एंड ट्रांसफर ऑफ द रिस्क, एंड ट्रांसफर ऑफ द रिस्क। कि जब कोई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है तो उसमें केंद्र जो सरकार होती है और जो निजी क्षेत्र होता है उनके बीच बेसिकली दो तरह के आयाम होते हैं। एक आयाम आपका है इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव और जो दूसरा आयाम है वो है आपका ट्रांसफर ऑफ रिस्क। कि भाई दो चीजें होंगी कि अगर कोई प्रोजेक्ट लगना है तो उसमें इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं कि 60% सरकार कर रही है, 40% प्राइवेट सेक्टर कर रही है, या परसेंटेज कुछ भी हो सकता है कि नहीं? अब सरकार के पास भी इतना पैसा नहीं है कि हर चीज में वो पैसा लगाती रहे, क्योंकि हमारे यहाँ तो चोर ज्यादा है ना, और जो चोर है वही आवाज ज्यादा उठाते हैं, टैक्स चोरी वो करेंगे, व्यापार में चोरी वो करेंगे, ग्राहक के साथ फ्रॉड वो करेंगे, लेकिन वो कहेंगे नहीं सरकार चोर है, राइट? तो चोर बहुत बुलंदी के साथ कहते हैं कि सरकार चोर है, राइट? तो सरकार इन चोरों के लिए कहाँ से पैसा लाएगी? तो जाहिर से बात है सरकार के पास कुबेर का खजाना नहीं है। अगर लोगों को बेहतर गुड्स एंड सर्विसेज देनी है तो कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो वो इन्वेस्टमेंट जो है वो प्राइवेट एंड गवर्नमेंट के बीच शेयर किया जा सकता है, राइट? ये हो गया इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव, राइट? दूसरा ट्रांसफर ऑफ द रिस्क। अब होता क्या है कि कई ऐसे जोखिम होते हैं जिनसे अकेले निपटने में प्राइवेट सेक्टर सक्षम नहीं होता है, और उन जोखिम से बचा सकता है सरकार उन्हें, राइट? तो इसमें आपका जो ट्रांसफर ऑफ द रिस्क होता है वो भी होता है। तो इस पहले हम इसकी बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव की, कि जब आप देखोगे कि आपको वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, आपको टेक जायंट बनाना है, आपको बड़ी बिग कारपोरेट्स बनाना है, एमएनसीज बनाना है, राइट? तो आपको मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है अपने कंट्री को, आप ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री अपने आप को बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, इन सब के लिए बहुत मैसिव लेवल पे आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, और इतने मैसिव इन्वेस्टमेंट को सरकार अकेले दम पे पूरा नहीं कर सकती है। सो यहीं पे हमको जरूरत पड़ जाती है प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट की। अब आप देखोगे कि 1991 के बाद जो एलपीजी प्रोसेस आया 1991 में, उसके बाद आप देखोगे कि वो सारे सेक्टर्स जिनमें प्राइवेट सेक्टर ने इन्वेस्टमेंट किया वो सेक्टर बहुत आगे चले गए, राइट?
और जहां प्राइवेट सेक्टर ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया वो सेक्टर आज भी पीछे पीछे रह गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रूवन एंड एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट जहां जहां किया गया है, ज्यादातर जगह, मैं सबका तो नहीं कह रहा हूँ, ज्यादातर जगह उसके जो रिजल्ट्स रहे हैं, इम्पैक्ट्स रहे हैं, वो बहुत आउटस्टैंडिंग रहे हैं। इससे हमें एक कोरिलेशन निकल के आता है कि अगर प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो वो जो 3 E's होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, एफिशिएंसी, इकोनॉमिकल इफेक्टिवनेस, वो अपने आप बढ़ जाता है। तो ध्यान रखना है कि जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो जो रेवेन्यू लोड है, रेवेन्यू लोड ऑफ गवर्नमेंट विल कम डाउन। एक तो सरकार का जो राजस्व का बर्डन था वो कम हो जाएगा, है ना, और दूसरा 3 E's विल बी इंश्योर्ड। 3 E's दैट इज क्या है वो 3 E's? इकोनॉमिकल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, ये इंश्योर हो जाएगा, राइट? कि जहां भी प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट होगा उसमें मितव्ययिता होगी, उसमें कार्यकुशलता होगी, उसमें प्रभावशीलता होगी। क्योंकि बिना 3 E's के अगर आप कम से कम पैसा लगा के ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, राइट, ये प्राइवेट सेक्टर में ही संभव है। सरकारी में क्या होता है, अपना अपना थोड़ी ना जा रहा है, सरकार का जा रहा है। अगर 5 रुपए में काम हो सकता है तो जो सरकारी कर्मचारी होगा क्या वो 20 लगे, हमारे अपने घर से नहीं जा रहा है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जब आप काम करते हैं तो आपको हिदायत दी जाती है कि आपको बहुत इकोनॉमिकल रहना है, क्योंकि कम से कम में जब सामान बनाओगे तभी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा। एफिशिएंसी, जो काम किया जाए उसमें एफिशिएंट तरीका अपनाया जाए। तो ये कैसे होगा, एफिशिएंसी कैसे आएगी, उसके लिए ऑर्डर होना चाहिए। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, व्यवस्था, राइट थिंग इन द राइट प्लेस एंड राइट पर्सन इन द राइट प्लेस। सही जगह पर सही व्यक्ति होना चाहिए और सही जगह पर सही वस्तु होना चाहिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जगह प्लम्बर को ना बिठाओ, प्लम्बर की जगह सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ना बिठाओ। जिसकी जहां जरूरत है उसको वहीं बिठाओ, तभी वो इंसान ढंग से काम कर सकता है। सरकारी में क्या होता है, चलता है वाला टाइप चलता है कि अरे अभी आप धीरे धीरे करिए, धीरे धीरे फिर सीख जाएंगे। प्राइवेट में ऐसा नहीं होगा, जिस काम में आपको महारत हासिल है केवल वही काम आपको करना है। तो जब आप राइट थिंग इन द राइट प्लेस होगा, सही जगह पर सही वस्तु होगी और सही जगह पर सही व्यक्ति होगा, राइट पर्सन इन द राइट प्लेस, तो ऑर्डर अपने आप आ जाएगा। जब ऑर्डर आएगा तो एफिशिएंसी अपने आप आ जाएगी, और जब इकोनॉमिकल होंगे, एफिशिएंसी होगी, तो जो भी आप गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं वो बहुत इफेक्टिव होगा, तो उसमें इफेक्टिवनेस आ जाएगी। तो हमने डायमेंशन में पहला डायमेंशन कवर किया इन्वेस्टमेंट। क्यों इन्वेस्टमेंट प्राइवेट का चाहिए, क्योंकि आप सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की फंडिंग वो खुद कर सके, राइट, और प्राइवेट के लिए भी अच्छा है कि उनको कस्टमर बेस तैयार होगा। दूसरा आता है ट्रांसफर ऑफ द रिस्क। जब पीपीपी जैसा कॉन्सेप्ट नहीं था तो उसमें आप ये देखते थे कि जितना भी उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड रिस्क होता था वो पूरा बियर करना पड़ता था प्राइवेट सेक्टर को, राइट, और प्राइवेट सेक्टर इतना स्ट्रांग आज भी नहीं है कि हर तरह के रिस्क को बियर कर सके। अब रिस्क जो है फिर इसमें भी पैक्ट हो जाता है स्टेट और प्राइवेट सेक्टर के बीच में, कि जो रिस्क होगा वो 2 तरह का होता है। एक रिस्क होता है जिसे हम लोग बोलते हैं फोर्स रिस्क या फोर्स कंज्यूअर रिस्क, और दूसरा होता है सॉवरेन रिस्क। सॉवरेन रिस्क इसको वो हम लोग बोलते हैं बलाकलित जोखिम, हिंदी में क्या बोलते हैं, बलाकलित जोखिम, और इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में संप्रभु जोखिम। क्या बोलते हैं बच्चों, संप्रभु जोखिम। तो बलाकलित जोखिम या फोर्स रिस्क में क्या होता है, प्रोजेक्ट में अगर ऐसा कोई रिस्क आ गया है, जैसे कि कैसा रिस्क, कि कोई अनप्रेसिडेंटेड कंडीशन हो गई, कि जैसे कोई मान लीजिए कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, तो नेचुरल कैलामिटी के कारण अगर प्रोजेक्ट 100% डिस्ट्रॉय हो जाता है, या इनेमी कंट्री कोई अटैक कर दे, अगर इनेमी कंट्री अटैक कर दे, इस तरह के जो अनप्रेसिडेंटेड इवेंट्स होती हैं या इंसिडेंट्स होते हैं, कि कोई प्राकृतिक दुर्घटना हो गई, बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, तूफान आ गया, उसके कारण प्रोजेक्ट बर्बाद हो गया, या किसी शत्रु देश ने हमला कर दिया है तो प्रोजेक्ट बर्बाद हो गया, तो इस तरह के जो रिस्क होते हैं उन्हें फोर्स रिस्क कहा जाता है। और इस तरह के रिस्क में जो नुकसान होता है, राइट, उसकी भरपाई के लिए कोई भी पक्ष दूसरे से नहीं कह सकता है।
सरकार निजी क्षेत्र से नहीं कह सकती है कि आप भरपाई करें, और ना ही सरकार निजी क्षेत्र से ये कह सकती है कि आप इस प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करें। ध्यान से सुने मैं क्या कह रहा हूं। अगर फोर्स रिस्क के तहत कोई रिस्क आया है, कंपनी का प्रोजेक्ट डिस्ट्रॉय हो गया है, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप था, सरकार ना तो कंपनी को फोर्स कर सकती है कि आप दोबारा उस प्रोजेक्ट को तैयार करें, और ना ही कंपनी हर्जाने की मांग कर सकती है। तो इसमें क्या होता है, बलाकलित जोखिम में जो हमें समझने वाली बात है वो ये है कि नो कॉम्पनसेशन बाय द गवर्नमेंट टू प्राइवेट सेक्टर। एंड इसमें क्या हो गया, दूसरा, गवर्नमेंट कैन नॉट फोर्स प्राइवेट पार्टनर टू रीस्टार्ट दैट प्रोजेक्ट। ठीक है, दूसरा तरह का जोखिम है संप्रभु जोखिम, जिसे हम लोग बोलते हैं सॉवरेन रिस्क। सॉवरेन रिस्क में क्या होता है कि मान लेते हैं कि रिलायंस ने महाराष्ट्र में कोई पैक्ट किया, उस समय सरकार थी बीजेपी की। ओके, अब वहां चुनाव हुए और वो प्रोजेक्ट अभी पूरा नहीं हुआ, एक लंबा प्रोजेक्ट है जो काफी समय लगेगा उसको पूरा होने में, और बीजेपी वहां से सत्ता से हट गई और शिवसेना वहां पे सत्ता में आ गई, राइट। जब शिवसेना वहां पे सत्ता में आई तो उन्होंने कहा, चूंकि ये प्रोजेक्ट आपने बीजेपी के साथ किया था, तो ये हम इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू नहीं करेंगे, या हम इसी तरह का कोई दूसरा प्रोजेक्ट शुरू कर देंगे, ये आप चीजें नहीं कर सकते हैं। जो पैक्ट हुआ था वो सरकार के बीच हुआ था, वो बीजेपी के बीच नहीं हुआ था, बीजेपी और रिलायंस के बीच नहीं हुआ था, राइट। तो कहने का अर्थ है कि जो पॉलिटिकल रिस्क होते हैं उनसे गारंटी दी जाती है, किसके द्वारा, सरकार द्वारा अपने प्राइवेट पार्टनर्स को। तो ध्यान रखना, जो सॉवरेन रिस्क होता है इट इज मोस्टली रिलेटेड टू द पॉलिटिकल रिस्क विच आर इंश्योर्ड एंड कवर्ड बाय द स्टेट टू द प्राइवेट सेक्टर, राइट। कि जैसे कोई दूसरी जब पार्टी सत्ता में आती है तो ये नहीं कह सकती है कि ये पैक्ट फलाना सरकार के साथ हुआ था, फलाना पार्टी के साथ हुआ था, तो हम इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। जो पिछली सरकार के साथ पैक्ट हुआ था आप ना तो उसे रद्द कर सकते हैं, ना ही इसी तरह का कोई दूसरा प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। ये हो गए आपके डायमेंशन, राइट। अब वो कौन से मेथड हैं जिनके द्वारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो सकती है, ये आप देख लें। है ना, मेथड ऑफ द पीपीपी। जैसे एक आपका हो सकता है बूट, ये मॉडर्न इन्वेस्टमेंट, बिल्ट ऑपरेट ओन ट्रांसफर, प्राइवेट सेक्टर से कहा जाएगा बिल्ड करिए, ऑपरेट करिए, ओनरशिप रखिए। कब तक ओनरशिप रखिए, जब तक आपने जो पैसा लगाया और हमारे बीच जो पैक्ट हुआ था कि इतना प्रॉफिट आपको इस प्रोजेक्ट से मिलेगा, वो जब तक प्रॉफिट आपका ना निकल आए तब तक ओनरशिप भी रखिए। तो बिल्ड करिए, ऑपरेट करिए, ओनरशिप रखिए, और बाद में क्या कर दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए। या बोल्ट, बिल्ट ऑपरेट लीज ट्रांसफर, आप बनाए ऑपरेट भी करें, आप खुद नहीं उसे चलाना चाह रहे हैं तो किसी को लीज पे दे दें, किस्त पे दे दें, और जब आपका प्रॉफिट निकल आए तो आप क्या कर दें, आप उसे ट्रांसफर कर दें सरकार को। तीसरा, बीओओ, बिल्ट ऑपरेट ओन, आप ही बनाए आप ही ऑपरेट करें और आप ही उसको क्या करें, ओनरशिप रखें। इसके अलावा एक और होता है जिसे हम लोग बोलते हैं VFM, वैल्यू फॉर मनी। सो दीज आर द इन्वेस्टमेंट मॉडल बाय विच अ पीपीपी कैन बी असाइंड, राइट। सो दीज आर सम फैक्ट्स विच वी मस्ट नो कीपिंग इन माइंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर एग्जाम, राइट। अब बात यह है कि जो पीपीपी है वो कहां पर किस रूप में यूज हुआ है, तो ध्यान रखना है, कुछ हमें एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए कि जो पीपीपी है वो अलग अलग देशों में अलग अलग क्षेत्र में यूज किया गया। जैसे जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट है, इसको चाइना में जो ज्यादा यूज किया गया है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन को डेवलप करने में किया गया है। कि चाइना में जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है वो वहां के जो वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उनको डेवलप करने के लिए किया गया है। अगर हम ये बात फ्रांस की करें कि जो फ्रांस में पीपीपी का यूज हुआ है, तो फ्रांस में जो पीपीपी का यूज हुआ है
वहां पे कम्युनिटी एंड जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है उसके लिए हुआ है। ये फ्रांस का हो गया। फ्रांस में जो पीपीपी का यूज हुआ है वो इस पर्पस से हुआ है। अगर हम कनाडा की बात करें तो कनाडा में जो पीपीपी का यूज हुआ है वो अर्बन डेवलपमेंट के लिए ज्यादा हुआ है, अर्बन डेवलपमेंट के लिए ज्यादा हुआ है। अगर हम इंडिया की बात करें कि इंडिया में जो पीपीपी का यूज हुआ है तो इंडिया में वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ज्यादा हुआ है। सो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वो तरीका है जिसके द्वारा निजी क्षेत्र लोक दायित्व तो जो होते हैं उनमें को साझेदारी कर लेता है, विच में वेरी फ्रॉम कंट्री टू द कंट्री एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सो लोक निजी सहभागिता एक वह तरीका है जिसके माध्यम से निजी क्षेत्र लोक दायित्वों का कुछ बंटवारा कर लेता है जो क्षेत्र और देश के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। उदाहरण के लिए चाइना में जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आया वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलप करने के लिए आया, दोनों ने पैसा लगाया, सरकार ने निजी क्षेत्र ने। फ्रांस में जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को अपनाया गया वो सामुदायिक विकास और कृषि विकास के लिए अपनाया गया। कनाडा में जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अपनाया गया तो वहां पे जो अर्बन डेवलपमेंट था उसके लिए अपनाया गया, और इंडिया में जो पीपीपी अपनाया गया वो ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेकर अपनाया गया। तो हमने पीपीपी के जो भी एंगल हो सकते हैं सवाल के वो ज्यादातर एंगल को हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आप क्वालिटेटिव आंसर लिख पाएंगे, राइट। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।